जनवरी में आता है उत्तरायण पर्व और इस पर्व पर हर साल अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। ये लोग जिंदगी की आपाधापी को छोड़कर घर और व्यवसायों से दूर इस सुंदर वातावरण में अपने आप से मिलने आया करते हैं, क्योंकि ये पावन भूमि आत्मवेत्ता संत श्री आशाराम जी बापू और जाबल्य ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पर हर साल ध्यान योग शिविर का आयोजन होता रहा है। पहले संत श्री आशाराम जी बापू यहाँ इकट्ठे हुए भक्तों में ध्यान का अमृत प्रसाद बांटा करते थे और भगवान के प्यारों को लाभ मिलता रहता था। लेकिन अगस्त 2013 में बापूजी के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया और उन्हें जबरन जेल में बंद करवा दिया गया। षड्यंत्रकारियों ने खेल इसलिए रचा ताकि सब कुछ तीतर बितर हो जाए और भारतीय संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो जाए। 2013 के बाद भी भक्त यहीं आकर जप ध्यान का अमृत प्रसाद लेते रहे और ध्यान योग शिविर की सेवा बापूजी की कृपा से बापूजी के सत शिष्यों ने संभाली। इस बार भी हजारों भक्तों ने यहां आकर उत्तरायण शिविर में भाग लिया। आइए आपको इस बार के अहमदाबाद में हुए उत्तरायण शिविर की यात्रा करवाते हैं। 13 से 15 जनवरी के बीच आयोजित हुए इस ध्यान योग शिविर में शरीक हुए आत्मा परमात्मा के मेल की कोशिश करते हुए इन भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं बापूजी के सत शिष्य अखंड ब्रह्मचारी श्री वासुदेवानंद जी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों में आपकी प्रीति नहीं है तो ऐसी विद्वता किस काम की। सदगुरु की संगति के बिना भगवत भक्ति रूपी दिव्य संपत्ति प्राप्त नहीं होती। तो गुरु का संग मतलब गुरु के वचनों को आत्मसात करना। माघ के महीने में ध्यान का लाभ लेने वाले इन भक्तों को अगले दिन पादुका पूजन का भी लाभ मिला। गुरु जी की पादुका यात्रा में कई बहनें सिर पर कलश लेकर शामिल हुई थी। इस पादुका का दर्शन करने खड़े भक्तों की लंबी कतारें गवाह है कि बापूजी के प्रति इन भक्तों में कितना प्रेम है। इस शिविर की विशेषता ये थी कि साधक ध्यान साधना आश्रम में कर रहे थे और पूज्य बापूजी जोधपुर वैकुंठ धाम में बैठे बैठे शक्तिपात वर्षा कर रहे थे, जिससे कई लोगों को कुंडलिनी योग की क्रियाएं हुई, अष्ट सात्विक भाव जागृत हुए, किसी को हास्य तो किसी को रुदन, इस प्रकार के कई विलक्षण अनुभव हुए। और इसी बीच जोधपुर वैकुंठ धाम से गुरुजी का पावन संदेश आया, जिसे सभी ने आत्मसात किया। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ये बस उनको बता देना, नास्ति ध्यानम समम यज्ञ, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात ध्यानम समाचरे, तुम ध्यान का फायदा उठाओ। ये भगवत प्राप्ति तो कराता है, लेकिन हमारे शरीर के साथ जो मुख्य केंद्र है उनकी शुद्धि करने में ध्यान योग शिविर का बड़ा महत्व है। आप ध्यान करता नहीं होना, ध्यान में अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना, तो क्रियाएं होने लगे, हास्य होगा, कभी रुदन होगा, कभी नृत्य होगा। इस ध्यान योग शिविर में ऋषि प्रसाद के सेवादार भी आए थे, जिन्होंने भक्तों को सेवा का मोल बताया। हमें क्या करना है, जो संत महापुरुष जब जब धरती पे आते हैं तो हमें अपना भाग्य बना लेना है। कैसे? गुरु भक्ति से, गुरु साधना से और गुरु सेवा से। तो आज हमको संकल्प यहाँ से लेके जाना है कि हमें अब पैसेंजर गाड़ी से नहीं, एक्सप्रेस गाड़ी से नहीं, अब हमें सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस के इंजन की तरह सेवा कार्य करने हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा क्यों करे, क्यों करना चाहिए सेवा? क्योंकि गुमराह होते हुए समाज को बापूजी ने, ऐसे भ्रमित लोगों को एक एक दिन में गुरुजी ने चार चार पांच पांच जगह पे सत्संग किए ताकि समाज धर्म के रास्ते पे चले। कितना मेहनत, कितना श्रम किया गुरुजी ने। तो आज हमारा क्या कर्तव्य है, आज हमारा शिष्य धर्म निभाने का वक्त है। ऋषि प्रसाद के सेवाधारियों व शिविरार्थियों को श्रद्धा और सेवा कैसे कायम रखनी है, इस विषय पर भी गुरुजी का पावन संदेश यहां आया। वालों को संदेश देना चाहता हूं
तुम्हारे जीवन में श्रद्धा है और सेवा है, ऋषि प्रसाद के सेवाधारियों में और शिविरार्थियों में सभी में। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे बिल्कुल सनातन सत्य है। हम पत्नी के हैं ये शरीर से, पत्नी के हम सदा नहीं रह सकते, पति के सदा नहीं रह सकते, लेकिन ईश्वर से एक सेकंड हम पिछड़ नहीं सकते। केवल स्वीकार करो तो 95% साधना पूरी हो जाती है और बाकी की 3% तुम कोशिश करो। ऋषि प्रसाद वालों की सेवा से हम संतुष्ट है, प्रसन्न है। बापू जी का संदेश पाकर सभी भक्त झूम उठे और नाचते नाचते गाते रहे। अगले दिन मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव की विशेष आराधना की गई। सभी ने एक साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। माघ मास में स्नान की क्या महिमा है, ये जानकारी गुरुजी ने वैकुंठ धाम से इन शिविरार्थियों को ऑडियो सत्संग के जरिए दे दी। जनवरी 10 से फरवरी 9 तक माघ मास का स्नान बड़ा हितकारी है। सतयुग में तप, द्वापर में, त्रेता में यजन आदि, कलयुग में दान का महत्व है, लेकिन माघ मास का महत्व तो चारों युगों में है। आपको सुनकर खुशी होगी कि माघ मास में स्नान करते समय अगर सकाम भाव से स्नान करते हो तो मनोकामना पूरी होगी, और ईश्वर सिद्धि के लिए स्नान करते हो, मैं कौन हूँ अपने आप को जान लूँ, तो आपको अपने दृष्टा स्वभाव का, साक्षी स्वभाव का, ब्रह्म स्वभाव का प्रसाद भी मिल सकता है। बापू जी के हृदय में इन भक्तों ने इस तरह जगह बना ली कि बापू जी ने वैकुंठ धाम में बैठे बैठे इन सबको भरपूर आशीर्वाद दिया। इतना कीमती आशीर्वाद मिलने पर ध्यान भजन में रुचि बढ़ना स्वाभाविक है। इन भक्तों को इस शिविर से क्या क्या मिला, आइए ये भी जान लेते हैं। जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे उत्तरायण शिविर है तो मैंने यहाँ पे आने की तैयारी की। जैसे मैंने तैयारी किया, मेरे शरीर में एक अजीब सा मतलब खुशी महसूस होने लगा कि बापू जी के दरबार पे मैं जा रहा हूँ करके। मुझे ध्यान योग शिविर में आके बहुत अच्छी अनुभूति हुई, और यहाँ पर शिविर में आने के बाद इतनी मन की शांति मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। यहाँ उत्तरायण शिविर में आके बहुत दिव्य अनुभव हो रहे हैं मुझे। हजारों मील दूर बैठे हैं लेकिन हमको यहाँ पर बापू जी का अनुभव हो रहा है, जो बापू जी शक्ति बात कर रहे हैं। आज के भौतिकवादी इस युग में ऐसा साबरमती के तट पर ऐसा पावन वातावरण मिलना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, काफ़ी शांति है, क्योंकि जो हम डेली लाइफ जीते हैं ना उसमें काफ़ी टेंशन है। जब से मैं शिविर में आई हूँ मुझे लग रहा है कि गुरुदेव की अनुकम कृपा हम सब पर लगातार बरस रही है, वो हर वक्त हमारे सामने है। बापू जी की कृपा जो बरस रही है वो सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। भजन ध्यान इतना अच्छा होता है कि घर पे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। पारस तो लोहे को सोना बनाता है लेकिन बापू तो पारस बना रहे हैं। और सभी साधक भाई हम यही आशा करते हैं कि बापू जी के सगुण साकार रूप के भी दर्शन हो जाए। तो ये था सफर जनवरी 2020 के उत्तरायण शिविर का, जहां आपने बापूजी के पावन संदेश के जरिए जाना जप ध्यान का महत्व, माघ महीने में स्नान का महत्व और अपने आप को जानने का महत्व। आप सबको गुरुजी के हृदय में जगह बनाने की बहुत बहुत बधाइयां।